घुलुम्मा सांगे भारो घुलुम्खा जतना ओकरा यहाँ में जो भी मंच में है जो हमारे काउंसिल ऑफ पीपरासा हौदाज हैं मैं सबको मेरे तरफ से आपको मेरा प्यार और खांची के इस अवसर में आप सबको शुभकामना आवाज क्लियर है इस आवाज ठीक है ना मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं और पेट में भूख भी होगा क्योंकि कुछ खाया भी नहीं है आपने तो आई विल नॉट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम आई विल नॉट गिव अ वेरी लॉन्ग स्पीच मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए आपसे और उससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। सबसे पहले आज खांची है और बहुत लोग शायद नहीं जानते हैं कि मेरा जन्मदिन भी आज से 44-45 ईयर्स पहले खांची में हुआ था। तो तिथि के हिसाब से आज मेरा जन्मदिन है तो बर्थडे तो हैप्पी नहीं होता है जब तक दोहा हैप्पी नहीं होता है। बर्थडे हर साल आता है लेकिन हैप्पी बर्थडे उस दिन होगा बुबागरा का जिस दिन दोहा को भी कुछ मिले। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। यहां में हमारे काउंसिल ऑफ पीपरासा हौदाज हैं। मनोज आपने मुझसे पहले बात किया, भाषा के बारे बात किया, थानसा के बारे बात किया, आइडेंटिटी के बारे बात किया। जब आपने विश्वकेतु को यहां बुलाया तो विश्वकेतु आना नहीं चाहता था लेकिन वो आया और मैंने विश्वकेतु को बोला साल में एक दिन हमारा दोहा का लीडर्स को थोड़ा सा हम लोग को हाईलाइट करना चाहिए तो विश्वकेतु ने बोला बुबागरा हम वहीं में बैठेगा इसको बोलता है अच्छा लीडर। एमएलए मंत्री लोग तो हर प्रोग्राम में यहां में आते रहता है लेकिन साल में सिर्फ कुछ प्रोग्राम्स होता है जिस दिन हम लोग समाजपति को आदर करता है इज्जत करता है। तो आज अगर हमने अपना एक चेयर छोड़ दिया तो इसमें क्या शर्म का बात, अच्छा बात है। आपके ऊपर फोकस होना चाहिए, आपको इज्जत मिलना चाहिए। खांची पूजा से मैं आ रहा हूं, वहां मैं सबसे बात किया, माताबादी जाता हूं वहीं में भी वही प्रॉब्लम, गरिया प्रोग्राम में भी वही प्रॉब्लम, चुबलाई बिथू का प्रोग्राम में भी वही प्रॉब्लम, कॉलर फेस्टिवल में भी वही प्रॉब्लम। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम लोग ने महाराजा भी विक्रम के मरने के बाद हमने एक सिस्टम को छोड़ दिया और हमने एक नया सिस्टम दिया। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है नेता का पीछे भागना। गणतंत्र का बहुत अच्छा है जहां में राजा खराब होता है, लेकिन जिस राजा ने आपको अधिकार दिया, जिस राजा ने आपको हा दिया, जमीन दिया, जिस राजा ने आपको आपका राज्य दिया, उसके बाद जब नेता लोग आया तो ना आपके पास आपका राज्य है, ना आपके पास आपका अधिकार है, ना आपके पास इज्जत या सम्मान है। इसका गलती किसका है? हमारा गलती। कहीं ना कहीं सिस्टम को हमने समझा नहीं, कहीं ना कहीं हमने सिर्फ कॉपी किया जो दूसरा लोग कर रहा था लेकिन नहीं सोचा कि आज हमारा क्या नुकसान है। 90% लोग थानसा के खिलाफ बोलते हैं और जो भी थानसा के खिलाफ बोलता है उसको एक बात मालूम नहीं, अपने दोहा से जिस दिन आप प्रद्युत विक्रम मानिके को हटा दो ना
त्रिपुरा से हटा दो, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि दुश्मन आपकी संग क्या करेगा। आज अकेला मैं जो बात करता हूं, जो फाइट करता हूं, सब चीज छोड़ा मैंने, आराम का जिंदगी था, शिलोंग में होटल था, छोड़ दिया। कलकत्ता में बड़ा सा महल है, छोड़ दिया। कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, छोड़ दिया। एडीसी में जीतने के बाद सीएम बन सकता था, छोड़ दिया। इलेक्शन के पहले मंत्री एमपी का ऑफर आया, छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा, किसके लिए छोड़ा? लेकिन बहुत लोग थनसा का मतलब नहीं समझते। जो मैंने देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को बोला कि कोई भी अग्रीमेंट होगा तो उसमें समाजपति का सिग्नेचर होना चाहिए, क्यों बोला, क्यों बोला ये? क्योंकि जब तक आप लोग अनुमति सहमति नहीं देगा तब तक हम लोग अग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो आज सब लोग बोलता है बुबाग्रा, अरे बिना पावर का क्या होगा, बिना पावर का क्या होगा? त्रिपुरा साहब के पास पावर है आज। जब आईपीएफटी और बीजेपी बैठा था तो त्रिपुरा साहब के पास पावर था। जब कम्युनिस्ट था तो त्रिपुरा साहब के पास पावर था। जब क्यूजेएस और कांग्रेस था तो त्रिपुरा साहब के पावर था। पांच छह लीडर के पास पावर था, पांच छह लीडर के पास। बात करना है तो दोहा के बारे बात करो, कम्युनिटी के बारे बात करो। पांच चार पांच लीडर को मंत्री बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, कम्युनिटी को कुछ देना पड़ेगा, तभी आगे कुछ सलूशन मिलेगा। महाराजा दीप विक्रम यहां में है। बहुत लीडर लोग बोला ये प्रद्युत तो रोता है, आंख से आंसू आता है, रोता है। हां रोता हूं, पोस्ट के लिए नहीं रोता हूं, पावर के लिए नहीं रोता हूं, अपना लोगों के लिए रोता हूं। वो राजा जिसके आंख में आंसू नहीं अपना देश के लिए, वो क्या राजा है? लेकिन डर के लिए रोता हूं। किसी ने बोला कि कब तक दादा को बेचोगे, कब तक बाप को बेचोगे? मेरा बाप, मेरा दादा, उनका बाप और उनका दादा को तो नहीं बेच रहा हूं ना, मैं अपना बाप और अपना दादा के बारे में बात कर रहा हूं। और मैं बात करूंगा क्योंकि महाराजा वीर विक्रम ने त्रिपुरा का संविधान हिंदुस्तान के संविधान से पहले लाया। महाराजा वीर विक्रम ने आधुनिक त्रिपुरा का कल्पना किया। पंच त्रिपुरा भी महाराजा त्रिपुरा ने बनाया। जो जमीन रिजर्व हुआ वो भी महाराजा वीर विक्रम ने किया। आप लोग ने क्या किया? आपने कहा कि आपने एयरपोर्ट का नाम महाराजा के ऊपर किया, आपने हटाने का भी काम किया। आज हमारे ही जगह को हमको देके बोल तो हमने कितना बड़ा काम किया। यहां में मैंने देखा है कि दिलीप देव वर्मा कश्मीर लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कश्मीर लॉ पास किया एडीसी ने, गवर्नर अभी तक बैठा हुआ है। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है हमारे कश्मीर लॉ को पास करने के लिए? हमने तो पूरा बिल भेज दिया, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो? गवर्नर ऑफ त्रिपुरा के पास दो मिनट नहीं है साइन करने के लिए, क्यों? इसमें किसी का नुकसान है? लेकिन आप लोग चुप बैठे हो। अगर बुबागरा नहीं होता तो आज यहां में गवर्नर चीफ गेस्ट बन के आता, आप लोग यहां में मामिता डांस करता, गवर्नर को फूल देता, चाय देता, बिस्किट देता, खुलमखा बोलता, गवर्नर चला जाता, आपका एक भी चीज साइन नहीं होगा। अधिकार को अगर लेना है तो कभी कभी अपना ताकत भी दिखाना पड़ता। ताकत आता है, ताकत कैसा आता है? यूनिटी। बिरेंद्र बाबू ताकत कैसा आता है?
जब त्रिपुरा देवर्मा नहीं करता, जब थानसा बोलता है, जब जमतिया रिया नहीं करता थानसा बोलता, कोलाई मौसम नहीं करता थानसा बोलता, कोयला तिप्रासा बनो, तिप्रासा नहीं बनेगा ना, अलग अलग करके जो मणिपुर में हो रहा है हम लोगों को अलग अलग करके बांट बांट करके मारा जाएगा। ठीक हो साहब? हर चीज में निगोशिएशन करना, हर चीज में बांटो, कभी भाषा में बांटो, कभी जाति में बांटो, कभी नौकरी में बांटो। अरे बांट बांट के आज हम लोग यहां में भिखारी बन के, और ये कमजोरी सब लोग देख रहा है, इसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। ये हमारा कमजोरी है, इसके लिए आज हम लोग यहां हैं। पार्टी के नाम में बांटो, काउग्रू मौसम लैंग्वेज, चौड़ाई लैंग्वेज, जो भी है, हमको चाहिए। आज हमको बोला जाता है कि ना आपका बांग्ला की लिखते हो बे देवनागरी तो ऑप्शन नहीं, रोमन ऑप्शन नहीं, ये कौन चूज करेगा? क्या एलर्जी है आपको रोमन स्क्रिप्ट से? ये देश का संविधान जो बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसमें लिखा गया? ये हमको तेलुगु में लिखना है, पंजाबी में लिखना है, देवनागरी में लिखना है, रोमन में लिखना है, हमको उर्दू में लिखना है, हमको बांग्ला में लिखना है, वो कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करो कि हम लोग डिसाइड करेंगे? सब मंत्री लोग, सब एमएलए लोग, सब नेता लोग अपना बच्चा लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजता है, लेकिन आपको बोलता ना इंग्लिश लिख तो पारबेन ना आपने, आप इंग्लिश लिखे अपना धर्म शेष हो जाए। तो जो मिनिस्टर लोगों का बच्चा लोग जो स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है उनका कुछ खतरा नहीं, ये क्यों? क्योंकि ये आपको दबा के रखना चाहिए। बदलो अपना कैरेक्टर को, बदलो अपना कल्चर को, बदलो, चेंज द वे यू थिंक, चेंज योर कैरेक्टर एंड योर वैल्यूज, बट डोंट चेंज योर आइडेंटिटी। आपका जिस दिन आइडेंटिटी गया ना, अभी मनोज ने बोला कि 12 लाख गोली, तब बोला 12 लाख टैबलेट। अगर आपको कम्युनिटी को खत्म करना है ना, तो आप उसका आइडेंटिटी छोड़ दो, छीन लो उनसे। जिस दिन आपका आइडेंटिटी गया ना, आपका जनरेशन तो याद करता है क्या है, नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा कम याद करेगा, तीसरा जनरेशन पूरा भूल जाएगा। उसके बाद आपको त्रिपुरा लिखना है या जमतिया लिखना है या देवबर्मा लिखना है, मौसम लिखना है, सिर्फ नेम प्लेट में आपका रहेगा, अंदर में आपका कुछ नहीं रहेगा, आपका इतिहास आपसे छीना जाएगा। तो फाइट तो करना पड़ेगा, कहीं में पॉलिटिकली, कहीं में सोशली, कहीं में कल्चरली। लेकिन जिस दिन आपने अपना समाजपति को पीछे छोड़ दिया ना, हमको कोई मंत्री ने बोला थोड़े दिन, अरे आपका समाजपति तो धोती पहनता है, पगड़ी पहनता है, आप तमिलनाडु जाके देखिए, सब लोग धोती पहनता है, देसी प्राउड, हम लोगों को जींस पैंट का चक्कर लगा है। हम लोग चाहता कि अपना वुमेन औरत लोग बुरुई लोग रिगनाई पहन के कल्चर को रखे, लेकिन हम लोग नहीं, हमको शर्म आता है,
हम लोग तो एजुकेटेड है आजकल, वी आर मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है थिंकिंग को मॉडर्न करो, सोच को मॉडर्न करो। कपड़ा को मॉडर्न करने से कोई मॉडर्न नहीं बनता है। तो ये जो थंसा का मतलब जो बुभागरा आपको बोल रहा है, थंसा का मतलब होता है सबसे पहले आप अपना स्वार्थ को पीछे रखो और दोहा का एजेंडा को सामने रखो। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस, बट बहुत लोग नहीं समझते। जिनको समझना है वो समझ चुका है, जिनको नहीं समझना वो नहीं समझता। मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाबा गरिया ने पैसा दिया, मैं पैसे के लिए राजनीति में नहीं आया। पावर क्या है? पावर, पावर टेम्पररी है। जो आज पावर में वो कल में नहीं होगा, जो कल पावर में था वो आज नहीं होगा। पावर टेम्पररी है। इंदिरा गांधी का पावर था, खत्म हो गया। आज सब बोल रहे हैं मोदी जी का पावर है, कल क्या हो। पावर परमानेंट नहीं होता है, लेकिन कम्युनिटी का इंटरेस्ट परमानेंट होता है। कम्युनिटी को कैसा आगे बढ़ाना है आप बताइए मुझे। दिलीप बाबू, सिर्फ पगड़ी देने से होगा? आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करना पड़ेगा, फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। कोई भी देश जिसका पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, जैसे आपके हाथ में आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, वो एमएलए डिसाइड नहीं करेगा, वो आपको डिसाइड करना है। आपका मां बाप अगर हॉस्पिटल जा रहा है तो वो कोई एमएलए या मंत्री डिसाइड नहीं करेगा, या पारा का लीडर डिसाइड नहीं करेगा, वो आप डिसाइड करेगा। ये तभी होगा जब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और वैल्यू है। आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब आएगा, जिस दिन आप बोनी नहीं करेगा, निगोशिएट नहीं करेगा। आई हैव सीन यू सिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जो आपने गाना गाया है, क्या था नाम गाना का? हाँ, जो गाना था, जो सॉन्ग को आपने गाया, क्या नाम था उसका? सबो फाया बो। हाँ, जो आपने वो गाना गाया ना, अगर हम लोग सिर्फ 10% लोग भी वो गाना को समझे दिल से और दोहा के लिए काम करें ना, जोरा लायक होकर और गाने का धक्कारी नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग सुनता है, एक्ट नहीं करता। इट वॉज अ ग्रेट सॉन्ग। नेक्स्ट टाइम ये गाना को हमको हर अपना प्रोग्राम में लगाना चाहिए। लोगों का दिल के अंदर जाना चाहिए जो हम लोग के अंदर जमते हैं। और कोई लोग बोलता, आमी तो बयस हो गए और आमी परिवर्तन करते पारे ना, आमी तो चेंज करते पारे ना, अनेक बयस हो गए और तो पॉसिबल नहीं। यही आपका प्रज्ञ विक्रम माणिक्य शिलांग में अलग था, आज अलग है, क्योंकि हमने अपने आप को बदला। हमने बोला, आई सेड पूजा जाति उलो पार्टी। जब मैंने ये बोला, सबने बोला आज हमने करके दिखाया। और आपको जब मैं देखता हूं, मैं बीमार भी हूं, ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाता हूं, जब आपको देखता हूं, यंगस्टर्स, व्हेन आई सी योर यंगस्टर्स, व्हेन आई सॉ यू जस्ट नाउ, ये मनोज सां, व्हेन आई सी यू यंग पीपल, यू आर द फ्यूचर ऑफ अस state, you're the future of our country, and I look at you and I see a certain amount of frustration. I see, kya kare, kyun nahi kuch ho raha hai, Nagaland mein ho raha hai, Shillong mein ho raha hai, Assam mein ho raha hai, Hyderabad, Bangalore mein ho raha hai, Delhi, hamara yahan mein, Agartala mein kyun nahi ho raha hai, kyun nahi ho raha hai, main aapko bolu, kyunki hamare paas aatmavishwas nahi, hamara confidence ko toda gaya hai, our trust, our confidence has been broken. हमारा जो तीपरा सा, जो महाराजा वीर विक्रम के टाइम में जो तीपरा सा था, उसके पास हिम्मत था, उसके पास विश्वास था। आज हमारा विश्वास तोड़ा गया है, आज हमारा हिम्मत तोड़ा गया है, और उसको अगर आपको वापस लाना है ना, तो
आपको एक कमिटमेंट चाहिए, लीडर चाहिए जो अपना बारे बात ना करे, अपने कम्युनिटी के बारे ज्यादा बात करे। कोई बोलता है राहुल गांधी का सपना, कोई बोलता है मोदी जी का सपना, मैं बोलता हूं पिपरासा का सपना। कोई बोलता है बुबागरा क्या है, ये महादेव विक्रम का नाम दो क्यों, अरे जो भी है आप मेरा एक फोटो देख लो और उनका एक फोटो देख लो, हम हर गांव में किसी के संग गला मिल रहा है, किसी को अपना दिल के पास रखा है, मैं मिलता हूं, मैं भेदभाव नहीं करता हूं कि ये तो गांव का है, ये तो गंदा है, मैं मेरा हर पिक्चर देखो और सब लोगों का पिक्चर देखो, मैंने कभी भी आपको अलग नहीं समझा, हमेशा अपना खून समझा, अपना थुई समझा, इसके लिए पावर मिलता है। भीख नहीं मांगा, भीख मांगेगा तो भिखारी समझ लेगा, राजा का वंश का हूं, भीख मांगने से भीख मिलता है, भिखारी नहीं हुआ हम लोग, हानि दुसा है। तो जो भी मैं करूंगा सम्मान से करूंगा, आपके लिए करूंगा, आप सबके लिए करूंगा, और इसको पॉलिटिक्स से दूर रखो। बोलता थी प्रेरण हो गया, नहीं मिला आज, ठीक है नहीं मिला, कल मिला नहीं, परसों नहीं, जब तक पिपरासा के अंदर नेशनलिज्म जिंदा है ना, पिपरालैंड भी जिंदा रहेगा। आज ही तो कभी तो कभी मिलेगा, मरने से पहले तो मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा फायदा के लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए, दफा को मैं धोखा नहीं दे सकता। किसी ने ठीक बोला, अपना दादा को बहुत सामने रखता है, खून उनका है, किसी और का खून नहीं, और हम लोग है क्षत्रिय, क्षत्रिय डरता नहीं, वी आर वॉरियर्स, वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनी वन, हां वी रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, बट आई एम नॉट स्केयर्ड, बिकॉज the prime minister has an Indian passport, we also have an Indian passport, we are as much Indian as anybody from Delhi, Gujarat, Kashmir, Tamil Nadu, Goa, Assam, we are as much Indian, so koi number one nahi hai, koi number two nahi hai, hum log ek hi hai, Hindustan ka samvidhan bolta hai, we the people of India, to apne upar vishwas karo। समाजपति को मैं बोलना चाहता हूं, कब तक सुनोगे, कब तक सुनोगे, 5 साल का लीडर से आपको क्या चलाना है, हर 5 साल जाना पड़ता है पब्लिक के पास, सर हमको वोट दे दो, आप कब तक उनका बात समझोगे, आप लोग तो समाजपति है, जब तक आप अपना इज्जत नहीं करोगे आपको कोई इज्जत नहीं करने वाला। फर्स्ट लर्न टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। मैं बोलता हूं कभी कभी कड़वा भी लगता है, वो तो महाराज डायरेक्ट बात करता है, डायरेक्ट बात करना चाहिए कि नहीं, शुड आई टॉक डायरेक्टली और झूठ झूठ बोल के आपको मक्खन लगा के बात करते हैं, क्योंकि ये लोग मक्खन 5 साल में एक बार लगाएगा आपको इलेक्शन के पहले, और 4.5 साल आपको बेचेगा, आपको खत्म करेगा, एक दिन आपका दरकार नहीं होगा, जिस दिन आपको दरकार नहीं होगा आपको छोड़ के किसी और के पीछे चलेगा। और ये मैं अपने एमएलएस, अपने ईएमएस, अपने एमडीसी को भी बोलना चाहता हूं, मत समझो कि आप लोग परमानेंट है, आप लोग परमानेंट नहीं है, परमानेंट आपका कम्युनिटी। फाइनली खर्ची, इसके बाद गौरिया है, केर है, हमारा अलग अलग फेस्टिवल्स, हलोक फेस्टिवल है, संगरोमा है, कितना हम लोगों का त्योहार है। मैं चाहता हूं कि क्षत्रिय समाज भी हर वो त्योहार को मनाए, और आप लोग भी हर त्योहार को मनाए जो अपने कम्युनिटी से बाहर है, क्योंकि
सरनेम अलग हो सकता है, सरनेम अलग हो सकता है, कम्युनिटी है तिप्रासा। बिरेंद्र बाबू आप कभी कभी मुझसे चिढ़ते हो, मेरा एक दिन आके एसटी सर्टिफिकेट देख लेना, नाम लिखा है प्रद्युत विक्रम माणिक्य, ट्राइब है त्रिपुरी, आपको नहीं दिखता लेकिन मेघालय में जाके देखिए, कोई मारबानियांग है, कोई लिंगडा है, कोई स्वेर है, लेकिन सब खासी है। आप जाके देखिए गारो हिल्स में, कोई सांगमा है, कोई माराक है, कोई मोमिन है, सब आचिक है। आप बंगाली कम्युनिटी में देख लीजिए, कोई भट्टाचार्य है, कोई देवनाथ है, कोई सील है, कोई नुआखाली से है, कोई सिलेट से है, कोई कुमिल्ला से है, लेकिन बोलते हैं हम बांग्ला। हम लोग की प्रसा क्या हो गया, हम लोगों को क्या हो गया? और आज 80% हम लोगों का प्रॉब्लम है क्योंकि थानसा को तोड़ने के लिए एक दिन लगता है, वन डे इट टेक्स टू ब्रेक थानसा, लेकिन थानसा को करने के लिए आपको 5 साल 10 साल 15 साल परिश्रम करना पड़ता। मैंने वो परिश्रम किया है, और अगर कल थानसा को आपने तोड़ दिया तो 5 मिनट का गेम है, 5 मिनट में ये लोग दिखा देगा आपको कि आपका पोजिशन त्रिपुरा ने किया है। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा थानसा को तोड़ के आपको अपना अधिकार से हटाने के लिए। आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग तो बड़े हैं, हाथ जोड़ के आपका राजा बोलता है डोंट ब्रेक थानसा, बात करो, कहीं में दुख है बात करो, बात करना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, लेकिन ये जो बात है ना कम्युनिटी के अंदर रहना चाहिए, टीवी में नहीं होना चाहिए सबके सामने, क्योंकि लोग देख रहा है। जो भी अंदर का बात है अंदर में रहना चाहिए, घर का बात घर में रहना चाहिए, घर के बाहर जब जाएगा तो सब लोग हंसता है। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि ये छोटा ये त्रिपुरा में क्या हो रहा है, कैसे जनजाति ऊपर उठ गया। पूरा नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में जाओ, आसाम में जाओ, अरुणाचल में जाओ, मेघालय में जाओ, मणिपुर में जाओ, अरे ये त्रिपुरा में जनजाति भी है, इंडिजिनस भी है, हमको तो लगता था कि ये तो पूरा नॉन ट्राइबल स्टेट है, अरे ये हो रहा है, सब नोटिस कर रहा है आज हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हम लोग आज एक मौका नहीं, हम लोग कम्युनिटी आज एक आवाज में बात कर रहा है अधिकार के लिए। कम्युनिटी, पार्टी का कुछ मतलब नहीं है, कम्युनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कम्युनिटी है तो हम है, और कम्युनिटी के बारे कोई बात नहीं कर रहा आज, सिर्फ बुबागरा बात कर रहा है। सबको किसी और का सपना, सब बोलता है मन की बात, मन की बात। हां हमारा भी मन है, हमारा भी मन का बात सुनिए, आपका भी मन है, आपका भी दिल का बात है। 70 साल हो गया, दिलीप बाबू ने हमको फोन किया कि टीटी एडीसी से बोलिए थोड़ा सा हेल्प देने के लिए, मैंने दिया, लेकिन ये काफी नहीं है दिलीप बाबू, दिस इज नॉट इनफ। कल अगर मैं मर जाऊं, यहां में अजिता है, अजिता योर फादर फॉर्ट फॉर टीटी एडीसी, आई रिमेंबर, कल अगर मैं मर जाऊं ना, मेरा अंतिम संस्कार कहां होगा? वहां में, जहां में मछली का बाजार है, जहां में आधा जमीन रॉयल कमीशन में हमको ऑक्यूपाई किया गया है, साल में एक बार हम लोग जाके बुरी बदल लो सफा करता है हम लोगों का रॉयल कमीशन ग्राउंड को, लेकिन जहां मरूंगा भी वहां में भी मछली में मछली का दुकान ऑक्यूपाई करके हम लोगों को धंधा, वहां में गाय है बकरी है, ड्रग्स लोग वहां ड्रग्स लेके महाजा का टूम के वहां में लोग ड्रग्स लेते हैं, रात में क्या क्या होता है। और तो बोलता हां
एयरपोर्ट नाम तो करे छे। एक दिन आपको भी वही आश्चर्य होगा, आपको जिस दिन आप लोग मरेगा ना, अगर आपने आज खान साहब तोड़ा, आपको अंतिम संस्कार जहां होगा आपको 2 बीघा जमीन भी नहीं मिलेगा। थिंक अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे सोचो। हम लोग हमेशा आज के बारे सोचता है, कल के बारे नहीं सोचता है, इसलिए आज बच जाता है कल मर जाता है। कल के बारे सोचो। यहां में आप लोग हैं, आपके पास बच्चा है, आपका आप दादू भी हैं, कहीं में दादी भी है, कहीं में आपका बच्चा भी है। नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचिए, नेक्स्ट जनरेशन के बारे सोचिए, कहां जाएगा नेक्स्ट जनरेशन। मनोज यू सेड द राइट थिंग अबाउट ड्रग्स, ड्रग्स के बारे आपने कहा, टैबलेट के बारे कहा। ये टैबलेट का बिजनेस कौन करता है, ड्रग्स कौन लाता है, टिप्रासा युद्ध जो आज ड्रग्स में जाता कौन करता है, ये नेता लोग करता है और बिजनेसमैन लोग करता है। पुलिस छोटा मछली को पकड़ता है, बड़ा मछली को आज तक कोई नहीं पकड़ा। अगर कम्युनिटी को खत्म करना है ना, नशा दे दो, नशा में परिवार टूटता है, सोसाइटी टूटता है, और जो नेक्स्ट जनरेशन जो ताकतवर होना चाहिए, जो फिट होना चाहिए, वो खत्म होता है। कौन है इसके पीछे, क्यों नहीं पुलिस अरेस्ट करता, नहीं करेगा, क्योंकि ये सिस्टम बनाया गया हम लोगों को खत्म करने का। मैं अपील करता हूं सब चौधरी को कि आपका ये काउंसिल ऑफ पीपरासा होता जाए, अपील टू यू, ये जो ड्रग्स का आप सब में नहीं आ सकते, एटलीस्ट ड्रग्स को रोकने के लिए तो एक काउंसिल ऑफ पीपरासा होता जाके हर गांव में एंटी ड्रग्स का मिशन करे, कुछ तो कमिटमेंट दिखाए, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन बन रहा है वो हमारी। एंड फाइनली मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं, बहुत लोग बोलता है क्यों ये आई लव यू, यू नो आई लव यू, इसका और कोई ये जो मैंने आज बोला है बात, मेरे पास ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, सब दिल से आ रहा है, मैं लिख के बात नहीं करता हूं, जो भी है भगवान ने यहां में दिया है और दिल से बात करता हूं। आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं और ये प्यार को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ये जो प्यार है, मैं आपका नाम नहीं जानता हूं, आई डोंट नो योर नेम, मैं आप लोगों का नाम नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं कि आप क्या है, मैं नहीं जानता आप कौन सा कामी का है, मैं नहीं जानता आपका मां बाप कौन है, मैं सिर्फ यही जानता हूं कि आप मेरा कम्युनिटी है और मैं आपको प्यार करता हूं। ये कोई गलत बात नहीं है, और ये प्यार को अगर जिंदा रखना है तो आप भी कभी ना कभी बुबागरा को हेल्प कीजिए, वोट से नहीं, लेकिन जो आज मैं बात कर रहा हूं आपको, दिस हैज टू गो डाउन टू द पीपल। जो मजाक उड़ाते हैं न्यूज़पेपर में रोज मेरे खिलाफ लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता मेरे खिलाफ, टारगेट मैं नहीं हूं, मीडिया इज द इटिक, टारगेट मैं नहीं हूं, टारगेट आप लोग हैं, मैं तो ढाल हूं, आई एम योर शील्ड, मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसके लिए आज सब गोली, मुझे लगता है जिस दिन मैं हट जाऊंगा गोली डायरेक्टली आपको लगेगा, ये मीडिया कवर करो। और मैं रोज गोली खाता हूं मनोज, रोज गोली खाता हूं दिलीप बाबू, रोज गोली खाता हूं यहां में, आई गेट अटैक एवरी डे, बीमार हूं रोज मेरे ऊपर अटैक होता है, क्यों होता है, क्योंकि असली अटैक आपके ऊपर है, मैं सामने खड़ा हूं, और जब तक दिल में जान है आपके लिए प्यार है, आई विल ऑलवेज फाइट फॉर माई पीपल एंड माई कम्युनिटी, एंड माई कम्युनिटी इज नॉट जस्ट देयर बर्मा, माई कम्युनिटी इज तिप्रासा, सो राइट दैट डाउन। माई आइडियोलॉजी इज नॉट कांग्रेस और बीजेपी और सीपीएम, माई आइडियोलॉजी इज थमसा, एंड दैट शुड बी योर कमिटमेंट ऑल्सो। माई कम्युनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी व्हेन आई लुक एट द फ्यूचर, सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ माई पीपल इज माई प्रायोरिटी एंड दैट इज माई राइट।
we are not fighting against India, we are not fighting against any community. We love Bengalis, we love all community, Manipuris, we love Muslims, but we also love ourselves, and we are fighting for our survival and our existence and for our rights, and not trying to take away anybody else's right. But agar ghee seedha ungli se nahi nikla to tedha ungli se bhi main ghee nikal sakta hu. और जो लोग मेरे ही कम्युनिटी से मुझे चैलेंज करते हैं, अगर चैलेंज करना है ना, तो उनसे चैलेंज करो जिसने आपको खत्म किया. नहीं करोगे क्योंकि आप लोग वो चाबी कोई और चलाता है, आप पुतला जैसा नाचता है. बरसात आता है, मेंढक निकलता है, बरसात खत्म, मेंढक भी चला जाता है. क्षत्रिय अपने आप को बोलते हो, then fight like a Kshatriya, speak like a Kshatriya, and think like a Kshatriya. Once again, to the Council of Piprasa Hodal, to the Kshatriya Samaj, हमारा यहाँ में जो कोलाई कम्युनिटी से आया है, हौदा जमातिया से आया है, हमारा कास्का आया है, मौसम से आया है, कोलोई से आया है, मुरा सिंह से आया है, मुरा सिंह में भी आपका तोताराम मुरा सिंह में फाइट होते ही रहता है. अभी खत्म हुआ, गुड. जो हर कम्युनिटी से आया, आप लोग भी विचार कीजिए, आज का सोचना है या कल का सोचना है? आज का सोचना है तो आज आप बच जाएगा, कल का सोचना है ना तो आज के लिए थोड़ा सा हिम्मत दिखाना पड़ेगा. आज के बारे सोचा तो कल आप नहीं रहेगा, कल के बारे सोचा तो परसों भी आप रहेगा फ्यूचर में. आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल फॉर हैविंग इनवाइटेड मी. आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स एंड टू एवरीवन हियर. आई लव यू. आप भी बोल सकते हैं आई लव यू. जोर से बोलो आई लव यू. देखो इसके लिए पैसा नहीं लगता. आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज ऑलवेज बी देयर फॉर यू. बेलाई बेलाई नो हम भाई खुलूं था. धन्यवाद. थैंक यू.